हेलो गाइस, लेट मी नो आप आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हो, मैम को आप देख पा रहे हो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाय युवराज, हाय कुणाल, भारती शर्मा, गुड इवनिंग अब्दुल। चलो सो बताओ फटाफट से, आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हो, मैम को आप देख पा रहे हो। और आई विल स्टार्ट विद टुडेज क्लास। So, आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है, 7 क्वेश्चन, 6 to 7 क्वेश्चन प्रिंसिपल प्रोसेसेस प्लस एप्लीकेशन से आते हैं बच्चे। तो आज के क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे कि बहुत सारे अच्छे कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। देखो RNAi इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। RNAi हम हमेशा जीन साइलेंसिंग से एक क्वेश्चन आता ही आता है नीट में। सो एप्लीकेशन पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। वी विल बी फोकसिंग ऑन जस्ट द कंसेप्ट्स और बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाऊंगी जो नीट में जिससे आपसे सवाल बन जाए। तो फटाफट से अपना सेशन जो है वो फुल फॉर्म में शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, e-career.neet चैनल को। मेक श्योर करो कि वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी बच्चे नए आए यहाँ पे गाइज, यू नीड टू बी डाउनलोडिंग e-career.learning ऐप, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऐप है। वी ऑल नो प्ले स्टोर ऐप स्टोर कहीं से भी डाउनलोड करो, हम सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज वहां पे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो विजेता सीरीज की जो PPTs हैं आपको वहां पे मिलेंगी, ठीक है, आपको वहां पे क्विजेस मिलेंगे, बहुत अमेजिंग फैकल्टी गाइडेंस मिलेगा एंड जूम क्लासेस मिलेंगे जिसमें हम डाउट सॉल्व करेंगे आपके, ठीक है। सो मेक श्योर आप लोग e-career.learning ऐप डाउनलोड करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, जिन भी बच्चों को एक फाइनल पुश फाइनल रिवीजन चाहिए, सब लोग हमारा जो 45 डेज का जो नीट का भी मिक्स लैंग्वेज का वे स्टार्टिंग, जिसमें हम लोग एक रिवीजन कोर्स चालू कर रहे हैं जिसमें हम लोग इसका हाईलाइट पॉइंट क्या है कि इस टाइम पढ़ के सबका हो चुका है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ये अप्रोच सिखाएंगे हम लोग और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। सो जूम क्लासेस होने वाली है, लाइव डाउट क्लासेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग साइन अप कर सकते हो, नॉमिनल फी है, SS10 कोड यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐप पे बहुत सारे ऑफर्स भी होते हैं, चेकआउट किया करो, टिल 90% ऑल्सो ऑफ यू कैन गेट ऑन द ऐप। ऑलराइट गाइस, ऑन वी ऑल नो दिस स्टडी पैकेजेस, तो आई होप आप सबने ले ही लिए होंगे। जो मेंटी के विनर्स होते हैं हम उन्हें भी प्रोवाइड करते हैं स्टडी पैकेजेस, हाईली क्यूरेटेड होते हैं, काफी अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन से नीट में लास्ट ईयर फॉर बायो 30-32 क्वेश्चन हैव डायरेक्टली कम फ्रॉम दीज मॉड्यूल्स, दीज पैकेजेस, दीज हम बोलते हैं ये जो टेस्ट सीरीज है उससे सीधे सवाल आ चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट डाइव इनटू टुडेज क्लास। ये हमारे फटाफट से देख लेंगे, पैन इंडिया में हमारे सेंटर्स हैं, सो इनके रिस्पेक्टिव सेंटर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेल पे भी दिया हुआ है, मेल डिटेल्स भी दिए हुए हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी बात करनी है आपको, अपना स्टडी प्लान कराना है, एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस एवरीथिंग, यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल देम। ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं बहुत अमेजिंग क्लास के साथ, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग प्राइमरीली फोकस करेंगे, देखो हमने कल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस तो पढ़ दिए, आज की क्लास में वी आर गोइंग टू प्राइमरीली फोकस ऑन कि अब ये जो हमने पढ़ा है ये हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। अब हम कैसे ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे सो दैट वो ह्यूमंस के काम आ सकता है, समझ आ गया। शुभम कुमार, मैम की आवाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट समझना, ठीक है। सो आपकी आवाज सुरीली एंड ऑल, देखो गाना तो मैं गाती नहीं हूं, बट फोकस करो कंसेप्ट पे, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो कल के क्लास में हमने क्या बोला, कल के क्लास में हमने सारा प्रिंसिपल प्रोसेस समझा, अब इसको हम कैसे यूज करेंगे ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए, ये हम एप्लीकेशंस में पढ़ते हैं, समझ आ गया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस पढ़ने वाले, कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड हम ऑर्गेनिज्म को कर सकते हैं, कैसे हम प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं, एनिमल्स को, बैक्टेरियाज को, और वी कैन यूज इट फॉर आवर बेनिफिट, ये हम पढ़ते हैं किसमें, दिस वी स्टडी इन द एप्लीकेशंस पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो फटाफट से मैम ने जो अभी समझाया आपको, ठीक है, फटाफट से हम लोग उसी की डिटेल्स यहाँ पे मैंने मेंशन करी है, तो फुल फोकस चाहिए मुझे बोर्ड पे, ठीक है, चलेंगे। तो मैंने क्या बताया कि टेक्निक्स होती हैं जो
दीज आर द टेक्निक्स विच आर एम्प्लॉयड टू इंक्रीज, क्या बोलते हैं हम, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उससे हम अगर प्रोडक्ट ऑप्टेन करें या यील्ड ऑप्टेन करें तो वो बढ़ जाए। समझ आ गया? ठीक है। सो ये प्रोडक्ट्स किसके लिए हम यूज करेंगे? ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए। तो देखो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है आप देख सकते हो यहाँ पे बेस्ड है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर और उन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। जैसे कि हम कौन कौन से यहाँ पे इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी हम बोलते हैं मरीन और एक्वेटिक, रेड बायोटेक्नोलॉजी इज ऑलवेज फॉर मेडिकल सेक्टर, ग्रीन इज फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर। समझ आया? व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी इज ऑलवेज फॉर इंडस्ट्रियल। तो आप समझ रहे हो कि कैसे यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करेंगे हमारे खुद के बेनिफिट के लिए। नॉट इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, हम उसका जेनेटिक मेकअप चेंज करेंगे हमारे बेनिफिट के लिए। समझ आ गया? गुड इवनिंग बच्चा लोग, ये सेशन लाइक करो बिल्कुल बिल्कुल। हाय शिव नंदा, वेरी गुड। हाय रवि रंजन, सारे सारे प्यारे बच्चे आ चुके हो। चलो फटाफट से अब फुल फोकस कर दो और सेशन फुल पावर में शेयर करो। चलो, तो मैम ने आपको अभी बताया कि कैसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाएंगे, बैक्टीरिया बनाएंगे, फंगाई बनाएंगे, और जिनका हम जीनोम में छेड़खानी करेंगे उससे हम क्या बनाते हैं, वी फॉर्म जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सो गाइस आर अंडरस्टैंडिंग, उससे हम जीएमओ बनाते हैं, इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। प्लांट की बात करें तो प्लांट्स में हम ऐसे प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं उनका जेनेटिकली, उनके जीनोम को चेंज करके, कि वो डिसीज रेजिस्टेंट हो जाए, वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाए। समझ आ गया? वो केमिकल पेस्टिसाइड से खुद को सेफ कर ले, जो हार्वेस्ट, जो हम बोलते कि जो हम फसल हमने उगाई है, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को जो है वो बचा ले। समझ आ गया? जिनमें बहुत अच्छे क्वालिटी, बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, जैसे हम बात करते हैं कि विटामिन ए जो एनरिच्ड होता है किसमें, हम बोलते हैं गोल्डन राइस। तो ये सब क्या प्रोडक्ट्स है? ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है। समझ आ गया? So that's where I'm talking about plants. कि plants में हमेशा देखो, ये हमेशा golden rice पे तो question आता ही है। समझ आ गया? ठीक है, तो ये बहुत important है। So हम यहाँ पे genetically modify कर रहे हैं plants को, we're making disease resistant plant, हम pest resistant plant बना रहे हैं। Hold करेंगे एक second के लिए बच्चा। All right, तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहे हैं आपको। फटाफट से अब आगे बढ़ते जाते, फुल हम एंटर कर रहे हैं किसमें, हम अब एप्लीकेशन पार्ट में घुस रहे हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं, हम प्लांट्स को पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट बनाते हैं, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट बनाते हैं। इससे पहले हम समझेंगे दो चीजें कि ट्रांसजीन क्या होता है, ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है। ट्रांसजीन वो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसजीन जो जीन्स हम डालते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए। ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं? जिनमें ये जीन्स का एक्सप्रेशन शो हो जाए। समझ आया? ट्रांसजेनिक प्लांट्स, प्लांट्स एक्सप्रेसिंग द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसजीन। समझ आ गया? ठीक है, अब फटाफट से हम चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको बताया कि कैसे पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनते, कैसे बनते, अब फटाफट से हम कंसेप्ट समझेंगे बीटी कॉटन का, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बीटी क्या है? बीटी इज बैसिलस थुरिजिएंसिस, इट इज अ बैक्टीरिया। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? ये बीटी प्रोड्यूस करता है एक प्रोटॉक्सिन। प्रो किसी के भी आगे लग जाता है मतलब वो इनएक्टिव है। प्रोटॉक्सिन जो है मतलब अभी काम नहीं करेगा, पर वो जब एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट होता है तो वो काम करता है। तो अब ध्यान से सुनेंगे, जो बैसिलस थुरिजिएंसिस है वो प्रोड्यूस करेगा एक प्रोटॉक्सिन। समझ आ गया? ठीक है, प्रोटॉक्सिन जब एक्टिव बीटी टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो इंसेक्ट्स को किल करेगा। अब कौन से इंसेक्ट्स होते हैं इसमें? इनमें लेपिडोप्टेरन्स होते हैं, जिनको हम टबेको बडवर्म बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्मी वर्म्स होते हैं, बीटल्स होते हैं, ठीक है, फ्लाइज होते हैं और मस्कीटोज होते हैं। तो ये बैक्टीरिया, अभी बताया मैंने कि जो बैक्टीरिया है ये क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? ये प्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। प्रोटॉक्सिन
प्रोटॉक्सिन जो है अभी इनएक्टिव है, समझ आ गया? ये प्रोटॉक्सिन क्या इनएक्टिव है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब इनके जैसे टबेको बडवर्म है, टबेको प्लांट में ये क्या कर रहा है, ये प्लांट की यील्ड को खराब कर रहा है, समझ आ गया? तो क्या होगा, अब ध्यान से सुनना। अब हमने ये बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा विच इज अ प्रोटॉक्सिन। इंसेक्ट इसको जैसे ही खाएगा, फुल फोकस चाहिए, इंसेक्ट जैसे ही इसको खाएगा, इंसेक्ट के अल्कलाइन गट में ये प्रोटॉक्सिन जो है, ये इनएक्टिव जो टॉक्सिन है वो एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, इंसेक्ट के अल्कलाइन गट में वो क्या कर देगा, छेद कर देगा। इट विल पंचर होल्स इन द इंटेस्टाइन और उसके कारण इंसेक्ट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यील्ड इंक्रीज करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प ली। बिल्कुल इजीली समझ आ गया, ठीक है? अभी बताया कि जैसे टबेको में ही हमने एग्जाम्पल ले लिया, क्या होगा इसमें कि इंसेक्ट जैसे ही इसे खाएगा, ठीक है, तो जो प्रोटॉक्सिन है इट विल कन्वर्ट इनटू एक्टिव टॉक्सिन। और एक्टिव टॉक्सिन कैसे कन्वर्ट होगा, इंसेक्ट के अल्कलाइन पीएच जो गट में है उसके कारण परफोरेशंस या छेद हो जाएंगे और इंसेक्ट विल बी किल्ड। तो अब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो टॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ क्राई जीन्स होते हैं, समझ आ गए, ये याद रखना है। तो यहाँ पे बीटी कॉटन के लिए बेटा क्राई वन एसी होता है और क्राई टू एबी होता है, ये दोनों आपको याद रखने। ये क्या करता है, रेजिस्टेंट प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है किसके अगेंस्ट बेटा, कॉटन बॉलवर्म्स के अगेंस्ट। ये क्वेश्चन जो है नीट में आ चुका है। तो क्राई वन एबी एंड सॉरी क्राई टू एबी एंड क्राई वन एसी याद रखना है, समझ आ गया। और बीटी कौन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसका है क्राइवन ए बी, ये प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस कॉन बोरर के लिए। तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं कि कॉटन बॉलवर्म और कॉन बोरर के अगेंस्ट कौन सा क्राइजीन जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ है कि नहीं बेटा, चैट बॉक्स में फटाफट येस और नो लिख के बताओ मैं आपको। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हुआ है कि ये जो कॉटन बॉलवर्म है, जो कॉर्न वर्म है, ये क्या कर रहे हैं, ये फसल को खराब कर रहे हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से क्राई जीन जो है वो क्राई प्रोटीन बनाएगा। क्राई जीन जो है वेरी इंपॉर्टेंट, क्राई जीन क्राई प्रोटीन बनाते हैं, अभी इनएक्टिव है, पर इंसेक्ट के गट में जाके वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद वो छेद कर देगा इंसेक्ट के इंटेस्टाइन में। बिल्कुल इजीली समझ आ रहे हैं बेटा कंसेप्ट आपको यहां पे। तो ये दोनों याद रखने बेटा, ये क्राई वन एसी और क्राई टू एबी, ये इंसेक्ट के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बेटा, ये बॉलवर्म्स के अगेंस्ट, ये याद रखना है, स्टार पॉइंट है बेटा। और क्राई वन एबी जो है ये हमेशा कॉर्न बोरर के अगेंस्ट। बिल्कुल इजीली समझ आ गए, ठीक है? फटाफट से आगे जाएंगे। जो भी मैंने आपको समझाया, आपको पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट में बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, मतलब पेस्ट रेजिस्टेंट में। अब हम आगे चलते हैं आरएनए आई, विच इज यहाँ पे हम बोलते हैं जीन साइलेंसिंग। बेटा बहुत सारे बच्चों को इसको समझने में दिक्कत आती है, पर एक कंसेप्ट आप समझोगे बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। देखो हम बोलते हैं वॉटसन एंड क्रीक मॉडल तो पढ़ा है आपको, फ्रांसिस क्रीक क्या बोलता है, सेंट्रल डोगमा, मतलब डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। कंसेप्ट स्टोरी जैसे सुनना बेटा, स्टोरी जैसे सुनोगे तो बहुत इजीली समझ आएगा, ठीक है? तो डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। अब एक होता है मेलेगोडगाइनी इनकॉग्निशा, इसको हम एम इनकॉग्निशा बोलते हैं। ये क्या खाता है बेटा, ये टबेको प्लांट्स के रूट्स पे रहता है, ठीक है, वहीं पे फीड करता है, और उसके कारण क्या होता है, यील्ड का रिडक्शन हो जाता है। तो अब हमने क्या करा, हम बोलते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। हम स्पेसिफिक प्रोटीन बनने से अगर रोक दें तो ये इंसेक्ट जो है एम इनकॉग्निशा वो अट्रैक्ट नहीं होगा, समझ आ गया? हम सेंट्रल डोगमा जो हमें पता है कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो हम एक प्रोटीन बनना रोक दें उससे इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं होगा, यील्ड रिड्यूस नहीं होगी। तो यही हम करते हैं जीन साइलेंसिंग में, समझ आया? तो इसमें आपको नाम क्या याद रखना है, मेलेगोडगाइनिया इनकॉग्निशा बेटा, ये क्या है, दिस इज नेमेटोड। ये कहां पे रहता है, ये रहता है टबेको के रूट पे। तो हम एक टबेको रूट सेल बना के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ पे, समझ आ गया, ठीक है? तो अब आरएनए इंटरफेरेंस, वर्ड से समझो, आरएनए आए, आरएनए
इंटरफेरेंस मतलब कि हम आरएनए बनना अगर रोक दें स्पेसिफिक, तो उसे स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं बनेगा। यही स्ट्रैटेजी हम अपनाते हैं जीन साइलेंसिंग में, समझ आ रहा है? ठीक है, ऑल राइट। तो लिसन गाइस, डोंट स्पैम एन ऑल या ग्रो अप। तुमको मैं एक ही चीज समझाते समझाते मतलब आई मीन इट्स बीन योर्स नाउ दैट गाइस देयर इज नो नीड टू बी सच अटेंशन सीकर्स टू स्पैम द चैट जस्ट लाइक दैट। हैव सम शर्म कि अगर टीचर नहीं जवाब दे रही है जस्ट टाइपिंग हू, देयर इज नो पॉइंट इन दैट गाइस। यहां हम फोकस से पढ़ रहे हैं और बच्चे फोकस से समझ रहे हैं, फोकस टीचर फोकस से पढ़ा रही है। There's no need for do such kind of small things. I mean, guys, grow up. What is this? You're just putting who in the chat. Who is gonna see that? Guys, don't focus on such things. People really are dying for attention. चलो, तो RNA, अब RNAi को हम क्या बोलते हैं? RNA silencing पूरा concept जो है, ध्यान से सुनना। ये टबे को root cell है, ध्यान से देखो, ठीक है? ये क्या है? ये टबे को रूट सेल है, ठीक है? हम लिख देते हैं यहां पे, फुल फोकस से सुनो बेटा, पूरा कंसेप्ट दो सेकंड में समझ आ जाएगा आपको। यहां हमने वेक्टर के थ्रू यहां पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए भेज दिया, कल हमने वेक्टर की बात कर ली, ठीक है? तो हमने वेक्टर के थ्रू यहां पर डबल स्टैंडर्ड डीएस डीएनए भेज दिया। क्या भेज दिया? डीएस डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्या बनाएगा? ये बनाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या बनाएगा बेटा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये इसका सेंस स्ट्रैंड होगा, ये इसका एंटी सेंस स्ट्रैंड होगा। ध्यान से सुनना, डबल स्टैंडर्ड आरएनए जैसे ही बनता है डाइसर प्रोटीन एक्टिव हो जाते हैं। डाइसर आपको एड पता होगी डाइसर की। डाइसर क्या करेगा बेटा? जैसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा डाइसर उसको काट देगा। यहां पे देख लो, डाइसर यहां पे आपको दिख रहा है। डाइसर क्या करेगा? जैसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा वो उसको, देखो सीडी, आपको ऐसी लंबी सीडी दिख रही होगी, उसको छोटे 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 आरएनए में तोड़ देगा वो। समझ आ गया? ठीक है, इसको हम साइलेंसिंग इंड्यूस्ड आरएनए बोलते हैं, siRNAs बोलते हैं, उसमें तोड़ देगा। तो आरएनए टूट गया, आरएनए टूट गया तो आरएनए से ट्रांसलेट होके क्या बनता है? प्रोटीन। हमने सेंट्रल डोगमा में देखा है ना, डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से आरएनए बनता है। रुको, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। हमने सेंट्रल डोगमा में देखा है, फ्रांसिस क्रीक ने बताया। अगर हम आरएनए बनना रोक दें तो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो एमएन कॉग्निशा अट्रैक्ट नहीं होगा। यही चीज हो रही है, समझ आया? तो यहां पे क्या हो रहा है, जैसे ही आरएनए बनेगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए, वो क्या हो जाएगा? वो कट जाएगा, डाइसर उसको पूरा का पूरा काट देगा। समझ आ गया? ठीक है, यहां पे एक आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम रिस्क कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। समझ आ गया? जैसे ही siRNA बनेगा वैसे ही रिस्क कॉम्प्लेक्स बनेगा। रिस्क कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनेगा बेटा वो प्रोटीन नहीं बन पाएगा। बिल्कुल इजीली समझ आ गया? ठीक है, बिल्कुल इजीली समझ आ गया। वॉइस ग्लिचेस हो रहे हैं, यस हमें पता है, वेरी गुड जतिन की। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। तो हम यहां पे आरएनए बनना रोक रहे हैं, जैसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा उसको डाइसर क्या करेगा? काट देगा। डाइसर ने जैसे ही काटा डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या बनाएगा? siRNA। siRNA जो है ये ट्रांसलेट करके प्रोटीन नहीं बना पाएगा। यहां पे एक रिस्क कॉम्प्लेक्स बनता है, याद रखना, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। किसके साथ बनता है बेटा? ये बनता है siRNA के साथ। समझ आ गया? ठीक है, सो नो ट्रांसलेशन इंटू प्रोटीन्स, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? जीन साइलेंसिंग। ठीक है, ऑडियो प्रॉब्लम्स है, चलो नेक्स्ट। सो बिल्कुल इजीली समझ आ गया। तो ये कहां पे? टबेको प्लांट के रूट नोड्यूल्स में एम इनकॉग्निशा जो नेमाटोड है ये क्या करता है? ये बिल्कुल, एक सेकंड रुको गाइस, आवाज आ रही है क्या मैम की? अगर नहीं तो वी आर ट्राइंग टू विल फिक्स इट, अगर आप सुन नहीं पा रहे हो। ठीक है, और तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया जीन साइलेंस
केमिकली सिंथेसाइज्ड, इंट्रोड्यूस इन ब्रासिका नैपिस, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ आ गया? ठीक है, अब ये जो हिरुडिन सिंथेसाइज होगा इसको हम प्यूरिफाई करेंगे और लेटर यूज करेंगे. सो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हिरुडिन हम इंडस्ट्रियली सिंथेसाइज कर सकते हैं ब्रासिका नैपिस की मदद से. अगेन फ्लेवर सेवर टमेटो, वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा माइक का इशू आ रहा है, रुको. फ्लेवर सेवर टमेटो, इसमें हमने क्या किया, एक जीन को क्या किया, इनएक्टिवेट कर दिया. कौन सा जीन मैम? वो जीन जो पॉली गैलेक्टो न्यूरेज एंजाइम बनाता है. ये जो एंजाइम है ना, हमेशा फ्रूट को ओवर राइपन कर देता है, ज्यादा पका देता है. तो उससे बचाने के लिए जो ज्यादा शेल्फ लाइफ वाले टमेटोज प्रोड्यूस हो सकते, तो हमने फ्लेवर सेवर टमेटोज बनाए. हमने जो जीन है उसको इनएक्टिवेट कर दिया जो पॉलीगैलेक्टो न्यूरेज बनाएगा, समझ आ गया? तो वो एंजाइम नहीं बनेगा, ये एंजाइम है जो क्या करेगा, ओवर राइप करेगा टमेटोज को. ये एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, अपने आप शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी. ठीक है रिया, यू नीड टू बी फोकसिंग ऑन द लेक्चर. गोल्डन राइस पे चलिए, गोल्डन राइस वेरी इंपॉर्टेंट. किसके मदद से हम बनाएंगे, ओराइजा सटावा, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्यों? इसमें बहुत ज्यादा अच्छे क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या है बेटा, बीटा कैरोटीन, मतलब ये प्रो विटामिन ए है, समझ आ गया? सो इट्स वेरी रिच इन विटामिन ए. ठीक है, ऑलराइट, फटाफट से आगे जाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. अब हम चलते हैं, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कैसे बनाते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही. ठीक है, सो सबसे पहले समझो, देखो हमारा जो ह्यूमन इंसुलिन होता है वो 51 अमीनो एसिड्स का होता है. क्या बोला बेटा? वो ओवर राइपन करा देता है, ये जो एंजाइम है वो ओवर राइपन करा देगा, मतलब जल्दी पका देगा टमेटोस को, तो वो जल्दी सड़ जाएंगे, समझ आया? तो हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके वो एंजाइम का बनना अगर रोक दें, समझ आया? माइक साउंड कर रहा है, थिंक आप दिक्कत नहीं है, आप दिक्कत है? यस, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, माइक में फुल फोकस से सुनो. ठीक है, तो ऑल राइट, तो अब हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाते हैं कैसे. देखो हमारा जो ह्यूमन इंसुलिन होता है उसमें 51 अमीनो एसिड्स होते हैं. ठीक है, ये अरेंज होते हैं दो पॉलीपेप्टाइड चेन में. ठीक है, चेन ए जो होती है, ध्यान से सुनना, चेन ए में 21 अमीनो एसिड्स होते हैं. ठीक है, और चेन बी में होते हैं 30 अमीनो एसिड्स, वेरी इंपॉर्टेंट. और चेन ए और चेन बी डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, एली लिली एक अमेरिकन कंपनी, ईयर आता है 1983, समझ आ गया? ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, देखो हमारा जो इंसुलिन बनता है, ए बी और एक सी चेन भी होती है, सी चेन इनएक्टिव है. इन्होंने देखो यहाँ पे आपको दिख भी रही होगी फ्री सी पेप्टाइड चेन, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ए और बी चेन को ज्वाइन करवा दिया विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेजेस. तो इन्होंने क्या किया, जो प्रो इंसुलिन, जो इनएक्टिव इंसुलिन बनता है ना बेटा, उसमें सी चेन भी होती है. हम सी चेन को अगर हटा दे तो हम लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं, ए चेन और बी चेन को जोड़ के डाइसल्फाइड लिंकेजेस से हम क्या बना सकते हैं, हम इंसुलिन बना सकते हैं लेबोरेटरी, और यही उन्होंने किया, समझ आ गया? तो हमने क्या किया बेटा, अगेन यहाँ पे हमारे रेस्क्यू में है PBR322, उसके मदद से हमने उसको PBR322 को हमने होस्ट में डाला. होस्ट क्या है, ई कोलाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों याद रखना. और ए चेन और बी चेन को हमने ज्वाइन करवा दिया विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेजेस, समझ आ गया? तो ए चेन और बी चेन जो बनी है दोनों सेपरेटली बनी है, समझ आया? इन्हें हमने एक्सट्रैक्ट करके उसको डाइसल्फाइड लिंकेजेस से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, समझ आ गया? सो इससे क्या बना बेटा, ह्यूम्यूलिन. ह्यूम्यूलिन इज ह्यूमन इंसुलिन. पहले हम पिक को यूज करते थे, बट उसके कारण क्या हो रहा था, एलर्जीज हो रहे थे लोगों में. ठीक है, तो अब हम क्या बना रहे हैं, वे फॉर्मिंग ह्यूमन इंसुलिन, विच इज ह्यूम्यूलिन.
बिल्कुल इजीली समझ आएगा कंसेप्ट। हाय मनी माला, सो नाइस टू सी यू। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑलराइट गाइस, सो ये समझ आ गया कि देखो ये प्रो इंसुलिन है बेटा। प्रो इंसुलिन में ब्लू कलर की अल्फा चेन दिख रही है, ये ग्रीन कलर की बीटा चेन दिख रही है, और ये ग्रे कलर की जो है वो सी चेन है। ठीक है, ये सी चेन जो है वो मतलब इनएक्टिव जो प्रो इंसुलिन है उसमें सी चेन का कुछ काम नहीं है। हम क्या करें, वेक्टर और होस्ट को यूज करके सेपरेटली ए चेन बनवाएं, बी चेन बनवा लें और उसको डाइसल्फाइड लिंकेजेस से जोड़ दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम ह्यूमुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके से कारण कोई एलर्जी नहीं होगी। ठीक है, ऑल राइट। अब अगेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज, हमेशा ये भी एग्जाम में आता है, विच इज हम बोलते हैं जीन थेरेपी। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्या सेशन को लाइक करो, आवाज का अभी भी इशू आ रहा है क्या? अच्छा, तो फटाफट चलो जीन थेरेपी पे हम क्या देखते हैं। जीन थेरेपी में कोई भी फॉल्टी जीन्स अगर हैं तो हम उसको हटा दें। समझ आ गया, तो हम नॉर्मल फंक्शनल मतलब जो फॉल्टी जीन्स हैं उनको हम रिप्लेस कर लेते हैं नॉर्मल फंक्शनल जीन से। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है एडीए डेफिशिएंसी का। एडीए जो होता है इसको हम बोलते हैं एडेनोसिन डीएमिनेज। एडीए जो एंजाइम है ये हमेशा लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन के लिए चाहिए होता है। अब क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम है, एबनॉर्मलिटी है, नहीं फॉर्म होता है एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। ये एंजाइम फॉर्म नहीं होगा तो लिम्फोसाइट प्रोलिफरेट नहीं हो पाएंगे, हो जाएगा स्किड, विच इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। समझ आ गया, सो इसका फर्स्ट जो पेशेंट है क्लिनिकल जीन थेरेपी जो है वॉज गिवन इन 1990। हमेशा आता है चार ईयर फोर ईयर ओल्ड गर्ल जिसको एडीए डेफिशिएंसी थी। समझ आया, जिसके कारण क्या होता है, लिम्फोसाइट प्रोलिफरेट नहीं हो पा रहे थे, उन्हें हो रहा था स्किड सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहली जो थेरेपी हम जो दे सकते हैं विच इज जीन थेरेपी। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज वन इज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये टेम्पररी है कि हम एडेनोसिन डीएमिनेज दे दें। सो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी टेम्पररी, इसका परमानेंट सॉल्यूशन जो है इट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। याद रखना, हमेशा एग्जाम में आता है द परमानेंट सॉल्यूशन इज व्हाट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, फटाफट से समझेंगे। अब देखो, कुछ बच्चों में जिनमें एडीए डेफिशिएंसी है उनको हम क्या करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, स्टार पॉइंट, परमानेंट सॉल्यूशन। दूसरे में हम क्या करते हैं, टेम्पररी सॉल्यूशन, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। समझ आ गया, ठीक है, बिल्कुल इजीली समझ आया। सो जीन थेरेपी मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है, जीन थेरेपी में लिम्फोसाइट्स लेते हैं हम ब्लड में से। ठीक है, तो पेशेंट को क्या करते हैं, द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन। अब हम लिम्फोसाइट लेंगे, उसको कल्चर में ग्रो करेंगे। समझ आ गया, और देन हम उसे पेशेंट में ट्रांसफर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस। वी आर यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर। समझ आ गया, ठीक है। सो ये जीन थेरेपी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको देखो, एक सेकंड में आ रही हूं। जी, ध्यान से सुनो। आप जीन थेरेपी में हमने क्या करें, हमने एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये तो हमने कर दिया, पर ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो जीन थेरेपी में हम क्या करेंगे, पेशेंट से लिम्फोसाइट लेंगे, लिम्फोसाइट को हम लैब में कल्चर करेंगे, ग्रो करेंगे और फिर पेशेंट के अंदर वापस डाल देंगे। समझ आ गया, बट इसमें हमें पीरियोडिक लिम्फोसाइट जो है वो पेशेंट के अंदर डालने पड़ेंगे, क्योंकि ये परमानेंट लिम्फोसाइट, क्योंकि हमेशा लिम्फोसाइट को इमॉर्टल नहीं है। ठीक है, सो वी नीड टू बी कल्चरिंग देम इन टू द लेबोरेटरी और फिर पेशेंट के अंदर डालने पड़ेंगे। ठीक है, समझ आया। सो लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन के लिए हमें एडीए चाहिए, विच इज एडेनोसिन डीएमिनेज। बिल्कुल इजीली समझ आया, ठीक है। मैं मूव कर रही हूं तो माइक का आवाज आ रहा है, समझ गए। सो ये देखो, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा डायग्राम समझाया आप लोगों को। यहाँ पे एक्स वीवो जीन थेरेपी बताई है। ठीक है, बहुत अच्छा डायग्राम है, इसको आप रेफर करना, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी ऐप पे, तो आप देख सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, फटाफट से आगे जाएंगे।
प्रोसेस में क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये समझना, और इसी पे हमेशा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स आपको मेंशन किए हुए हैं, जो कि एंडी है विच इज ट्रांसजेनिक मंकी, रोजी इज ट्रांसजेनिक काउ, एंड ट्रांसजेनिक माइस एंड रैबिट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फटाफट से अब गैक के बारे में थोड़ा सा समझते, फिर उसके बाद सारे हम लोग क्वेश्चन करने वाले। देखो गैक क्या आता है, हम बोलते हैं इट्स जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा चेक लगाती है कि हम कितना ज्यादा बायोटेक्नोलॉजिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। पूरे एनिमल डिराइव प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली वो अप्रूव नहीं करती है, ठीक है। सो ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सेट करी हुई है बहुत सारे अनएथिकल इश्यूज जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। सो इसके बारे में आप पढ़ना, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा बासमती राइस के ऊपर आता है, ठीक है, एग्जाम में भी आता है कि इंडिया कि हमारी जो सोयल है उसमें ग्रो हो रहे हैं बासमती राइस, दैट्स वेयर इट गेट्स इट्स फ्रेग्रेंस, उसका खुशबू, उसका जो ग्रेन का साइज होता है ये हमने ग्रो किया है। पर अब कुछ कंपनीज जो है वो उसे क्या कर रही है, वो उसे इंटरनेशनली ले जाके ग्रो कर रही है, उसे ट्रेडमार्क भी कर रहे हैं, समझ आया, सो विच इज अनएथिकल। सो ये सारा देखो 1997 में अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइस ऑन बासमती राइस, समझ आ गया, ठीक है। So, इससे बचाने के लिए ये जो है, सो इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब हमेशा अप्रूवल कमिटी है, गैक बोलते हैं हम जिसे, समझ आ गया। तो हमारे बासमती का एक डिस्टिंक्ट अरोमा, डिस्टिंक्ट फ्लेवर है, अभी तक 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज हैं, ठीक है, हमारे बासमती के। ऑलराइट, पर ग्रो कितनी होती है, 200,000 से भी ज्यादा, सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ऑलराइट, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज बायो पायरेसी, समझ आ गया, कि हमारे रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके एक्सप्लॉइट करना। तो बायोपायरेसी किस किस के लिए होती है, हम बोलते हैं ब्लैक पेपर के लिए, ठीक है, बासमती राइस के लिए, हमारे मस्टर्ड के लिए, पोमोग्रेनेट एंड नीम। तो ये अगेन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया। फटाफट से चलते हैं हम, आप बायो और पढ़ाने की तो मुझे जरूरत है ही नहीं, जहां पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं लार्ज स्केल पॉपुलेशन को डिसरप्ट करने के लिए। अभी हम देख रहे हैं कि हम बोलते भी है कि व्हाट वी आर गोइंग थ्रू द पैंडेमिक इज सॉर्ट ऑफ अ बायो वॉर विच हैज बीन यू नो बॉट टू अस, समझ आ गया। तो हाईली इन्फेक्शियस पैथोजेंस को यूज करोगे, उनके स्पोर्स को यूज करोगे, उनके टॉक्सिन्स को यूज करोगे एज वेपन्स डिसीज कॉज करने के लिए, समझ आ गया, ठीक है। कोई भी वायरुलेंट स्ट्रेन लेंगे, उसको मिसाइल के थ्रू लॉन्च कर देंगे, समझ आया, ऐसे हम क्या बोलते हैं, बायो वेपन्स, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं इसके। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करो, सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, चलो फटाफट से, Yes guys, I hope the issue is clear now. I hope आप आवाज ठीक आ रही है आपको. Let me know in the comment section. Yes. Yes guys. हाँ, तो सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, यहाँ पे एक बच्चे ने शायद, मैं अभी देख रही थी वहां से, कि यहाँ पे एक बच्चे ने अभी पूछा कि Why bone marrow transplant is not a permanent solution? देखो ADA deficiency जो है, हम बोलते हैं कि ये ADA deficiency जो हम embryonic condition में ठीक कर सकते हैं,
ठीक है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इसलिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, जीन थेरेपी इज एट द एम्ब्रियोनिक कंडीशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन आप करोगे जब जब पेशेंट को पता लगेगा आईडीए डेफिशिएंसी का, व्हेन द पेशेंट हैज ऑलरेडी बीन ग्रोन अप। ऑलराइट, सो हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में मतलब ग्रोइंग एयर्स में कर रहे तो ठीक है, जब आइडेंटिफाई हो गई डिसीज उसके बाद हम क्योर नहीं कर सकते, ठीक है। ऑलराइट, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज, हम क्या बोलते हैं, रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन, बिल्कुल सही। यस, सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। गुड दीक्षा, गुड दुष्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली एज बायो पेस्टिसाइड। गुड क्वेश्चन, महाजबी, यस सी इज द राइट ऑप्शन। ऑलराइट बच्चे, कल सब लोगों को आना है, कल हमारा मेंटी है, कल दो ही चैप्टर्स लूंगी मैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेसेस और एप्लीकेशंस, ठीक है। यस, तो हम क्या बोलते हैं, कौन यूज होता है एज अ बायो पेस्टिसाइड, वी नो इट इज बैसिलस थुरिजिएंसिस, बीटी। नेक्स्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, अगेन गुड क्वेश्चन, हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेशियस, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्राइवन एबी अभी पढ़ा, आज के ही क्लास में पढ़ाया मैंने, क्राइवन एबी एंड क्राइवन, क्राइवन एबी एंड क्राई टू एबी प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दैट कंट्रोल। यस, लास्ट ईयर बेटा 7 क्वेश्चंस आए थे, इस साल भी आएंगे, तो फुल फोकस से करना है, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर्स पढ़ना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना पढ़ना है, हमें पीसीआर पढ़ना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ना है, बायोरिएक्टर्स पढ़ना है, और एप्लीकेशंस में हम बोलते हैं पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस समझते हैं, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस, इंसुलिन बनाना सीखते हैं, ठीक है। यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें करनी है, ठीक है। एडीए डेफिशिएंसी अगेन क्वेश्चन आता है उससे भी। ऑलराइट, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। सो क्राई वन एबी एंड क्राई टू एबी प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दैट कंट्रोल, अभी बताया कौन, बोरर एज वेल एज कौन, बॉलवर्म, तो फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड प्रेरणा, विनायक, रवि रंजन, गुड शाहिष्ठा, वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, व्हाट आर प्रोबायोटिक्स, अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन। प्रोबायोटिक्स हम बोलते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइव, विच आर गुड फॉर द गट हेल्थ, समझ आ गया, लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट्स को हम बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। थोड़ा फास्ट चलेंगे, थोड़ा फास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे, क्योंकि ज्यादा सवाल है। बायो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स अभी बताया, केमिकल्स विच आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय पेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चलो करो ये क्वेश्चन, बहुत ईजी है। ऑलराइट, दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट प्रोडक्ट्स विच आर यूज फॉर द पेस्ट कंट्रोल ऑर्गेनिज्म विच डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, नन ऑफ दीज, वी नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, बी, ठीक है, कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑलराइट, हाय अब्दुर, जो क्या करते हैं, जो पेस्ट कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लॉइटेड एज बायो वेपन, अभी बताया वायरल इन स्ट्रेन ले ली, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कौन से यूज होंगे, फॉलोइंग इज एक्सप्लॉइटेड एज बायो वेपन, इसका करेक्ट आंसर सुन लो, एग्जाम में भी आ सकता है, विच इज एंथ्रैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंडियन प्लांट्स हैव ईदर बीन पेटेंटेड, अभी आपको आज की क्लास में बताया कौन से, एंड अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू पेटेंट देम बाय वेस्टर्न नेशंस फॉर देयर कमर्शियल यूजेस। अब इसमें कौन कौन से पेटेंट किए जा चुके हैं, आज ही बताया मैंने, ट्यूमरिक, बासमती एज वेल एज नीम, समझ आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए बी एंड सी, ठीक है। अमन, कार्तिक, वेरी गुड, महजबी, विनायक, गुड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोडक्ट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, अभी बताया ह्यूमिलिन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, गोल्डन राइस, पीटी कॉटन, क्या है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एज वेल एज गोल्डन राइस, ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन इज गैस. ठीक है, नेक्स्ट पे जाएंगे. द मोस्ट कॉमन टूल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, कल मैंने पूरा डायग्राम के साथ बताया आपको वेक्टर, करो इसको. द मोस्ट कॉमन टूल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, वी यूज, अभी हमने प्रोइंसुलिन से इंसुलिन बनवाया पूरा, किसको यूज करके, पीबीआर 322 और होस्ट को. ठीक है, सो इसमें क्या है, पीबीआर 322 प्लाज्मिड है, इकोला क्या है, होस्ट है. समझ आ गया, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज टू इंप्रूव क्रॉप प्लांट्स बाय इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्टिविटी बाय मेकिंग देम मोर न्यूट्रिशियस एंड बाय डेवलपिंग डिसीज रेजिस्टेंस. ठीक है, पढ़ो ये ऑप्शंस पढ़ो. बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंस टू बॉलवर्म इन्फेस्टेशन, बैसिलस थुरिजिएंसिस इज अ टॉक्सिन, बैसिलस मतलब बीटी इज नॉट हार्म्ड बाय सेल्फ क्राय प्रोटीन बिकॉज इट्स अकरेंस इज प्रोटॉक्सिन. सही, प्रोटॉक्सिन इनएक्टिव है, प्रोटॉक्सिन क्राय प्रोटीन इज चेंज इनटू एक्टिव क्राय, अभी समझाया मैंने. इसमें कौन सा करेक्ट है, कौन सा फॉल्स है, ये बताना है, ध्यान से बताओ. सो इसमें कौन सा गलत है, हमें पता है सिर्फ थर्ड. ठीक है, ये क्या है, बीटी इज अ टॉक्सिन. ठीक है, ये ओनली इज इनकरेक्ट. ठीक है, इसे याद रखना. बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट है. नेक्स्ट, व्हेन डीएनए इज ट्रांसक्राइब इनटू एमआरएनए, अभी बताया. देखो ये किसके बात कर रहा है, जीन साइलेंसिंग का क्वेश्चन है, नीट में आ सकता है शत प्रतिशत. व्हेन डीएनए इज ट्रांसक्राइब इनटू एमआरएनए, यूजुअली द एमआरएनए रिमेन सिंगल स्ट्रैंडेड, बट इन सम केसेस एन आरएनए कैन बी मेड दैट कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट एमआरएनए. ठीक है, अभी बोला डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दिया. This is called as dash and it is the main function to dash. चलो करो, बहुत easy है, करो चलो. ये क्या करता है, This is called as, what is the correct answer? इसको हम antisense, अभी बताया ना, sense strand, antisense strand. ये क्या करेगा, gene expression को block करेगा. बेटा RNA silencing इतना सुंदर है, इतना easy है. यूजुअली एमआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एमआरएनए से प्रोटीन बन जाएगा, हमें नहीं चाहिए प्रोटीन बने क्योंकि एम इनकॉग्निशा जो है वो अट्रैक्ट होगा. तो हम क्या करेंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इंट्रोड्यूस करेंगे वेक्टर के मदद से, वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देगा. ये कॉम्प्लीमेंट्री है इस एमआरएनए के, जैसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा वो डाइसर उसे तोड़ देगा, पूरा का पूरा एमआरएनए खत्म. एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं होगा. उस टाइम क्या बनता है, कैसा आरएनए बनता है, ठीक है, रिस कॉम्प्लेक्स बनता है. ये याद रखना बेटा, हमेशा एग्जाम में आता है. ठीक है, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1990. अब बहुत ईजी, ये तो नो ब्रेनर एग्जाम में आ सकता है, एडेनोसिन डीअमिनेज एंजाइम डेफिशिएंसी. ठीक है, नेक्स्ट, एली लिली अभी बताया अमेरिकन कंपनी है, दो सीक्वेंसेस करस्पॉन्डिंग ए बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इंट्रोड्यूस देम इन द प्लाज्मिड ऑफ द ई कोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन, अभी बताया. वेक्टर की मदद से कहां डाल दिया, होस्ट में डाल दिया. ठीक है, होस्ट में ए चेन बन रहे, बी चेन बन रहे, उनको डाइसल्फाइड लिंकेजेस से ज्वाइन कर दिया, सी चेन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्या है, वो तो इनएक्टिव इंसुलिन में रहती है, सी चेन उसको हटा दिया. अब इंसुलिन का काम क्या है हमारे शरीर में, मैंने बताया आपको कि इंसुलिन हमेशा क्या करता है, सेल को ग्लूकोज लेने के लिए परमिएबल, ब्लड ग्लूकोज लेने के लिए परमिएबल. अब जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनमें इंसुलिन है कम, इंसुलिन है कम तो ब्लड में ग्लूकोज तो बढ़ रहा है पर सेल के पास नहीं जा पा रहा है, कॉज हो रहा है डायबिटीज मेलिटस, मतलब ग्लूकोज जो है वो ब्लड में बढ़ रही है, तो यूरिन में भी जा रही है क्योंकि किडनी भी एलिमिनेट कर रही है उसको, तो ग्लाइकोज यूरिया हो रहा है, कीटो यूरिया भी हो रहा है. ठीक है, तो उसमें ऑर्गन डिसफंक्शनल हो जाएंगे आगे जाके, ऐसे ही हालात चलते रहे तो. इसके लिए हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमुलिन. किसने बनाया, एली लिली, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अल्फा बीटा चेन दोनों वेक्टर के मदद से हमने होस्ट में बना दी इकोलाई में. समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ रहा है कि दिमाग के सब ऊपर से जा रहा है. हाँ, तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या, अल्फा बीटा चेन को किसके साथ जोड़ा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ. ठीक है, चलो नेक्स्ट. व्हेन अ पेशेंट विद डिफेक्टिव एडीए वाज ट्रीटेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वर परफॉर्म्ड फॉर जीन थेरेपी, अगेन वेरी इजी, लिम्फोसाइट्स,
हमने पेशेंट से निकाल दिए, लिम्फोसाइट को कल्चर डिशेज में ट्रांसफर करा, लिम्फोसाइट्स वर ट्रांसफेक्टेड विथ नॉर्मल एडीए जीन्स एंड ट्रांसफेक्टेड सेल्स आर रिटर्न टू द पेशेंट्स अगेन। सारा का सारा प्रोसेस सही है, यही हम करते हैं, बहुत इजी। लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन के लिए एडीए चाहिए, एडीए डेफिशिएंसी है तो क्या करेंगे, उसको पेशेंट से निकालेंगे, कल्चर डिशेज में डालेंगे, उसके अंदर एडीए के जीन्स डाल देंगे, उसके बाद उसे हम वापस से पेशेंट में डाल देंगे। पर ये हमें बार बार करना पड़ेगा क्योंकि लिम्फोसाइट्स जो है वो इमॉर्टल नहीं होते हैं। आया क्या समझ? नेक्स्ट, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग पोर्सीन इंसुलिन फ्रॉम पिग? अभी बता, पोर्सीन मतलब पिग से लिया इंसुलिन, तो उसके डिसएडवांटेज यही है सिंपल कि वो एलर्जीज कॉज कर रहा है। अगेन इट मे कॉज एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है? यस, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मैजिक ड्रग? ये हमेशा आता है बेटा, इजी भी, आप पढ़े भी होगे, आपने पहले देखा भी होगा। मैजिक ड्रग हम किसको बोलते हैं? वी कॉल इट एज, बताओ चैट बॉक्स में, एक आधा बच्चा तो बताओ। मैजिक ड्रग हम पेनिसिलिन को बोलते हैं, ठीक है? वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे काम आया था ये। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एन एफिशिएंट ऑयल ईटिंग सुपर बग, अच्छा क्वेश्चन है, देखो। डेवलप थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिल्स पोल्यूटेड एट पोल्यूटेड साइट इज अ स्पीशीज ऑफ, किसकी स्पीशी है ये? अगेन वेरी इजी, सुडोमोनास की, ठीक है? दिस ऑल्सो कैन बी आस्क्ड, बेटा एप्लीकेशन पार्ट सारा इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? मे को तो दिख रहा है, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? एग्रोबैक्टेरियम, यहीं पे क्या लिखा है, ट्यूमर इंड्यूसिंग, हाँ मतलब ट्यूमर, सो यही सही जवाब है, ठीक है? टैग कल पढ़ चुके हैं, थर्मस एक्वेटिकस टैग पॉलीमरेज, हम थर्मस एक्वेटिकस से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है? एक्सटेंशन में जो हेल्प करता है, पीसीआर में कल ही पढ़ा हमने। पीबीआर 322 एंजाइम नहीं है, वेक्टर है। लाइगेज को हम ग्लू बोलते हैं मॉलिक्यूलर, एंडोन्यूक्लियस को सिजर्स बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, जेनेटिक डिफेक्ट एडेनोसिन डीएमिनेज, अभी बता, डेफिशिएंसी में भी क्योर्ड परमानेंटली? परमानेंटली अभी बता, जीन थेरेपी से होगी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये टेम्पररी है, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बोलेंगे हम? क्या हुआ? हाँ, ये किससे परमानेंटली ट्रीट होगी? अभी बताया कि इंट्रोड्यूसिंग बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इनटू सेल्स एंड अर्ली, अभी मैंने आपको समझाया कि क्यों बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो लेटर स्टेजेस में टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमानेंट नहीं। वी हैव टू डू इट एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज, यही ऑप्शन में दिया हुआ है, अभी ही समझाया, ठीक है? अच्छा लक्ष्य, टुमारो इज द मेंटी फॉर एप्लीकेशंस एज वेल एज प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस फॉर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? नेक्स्ट, अ पीस ऑफ डीएनए इफ नीडेड टू बी प्रोपोगेटेड ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर रिक्वायर्स अ वेक्टर, बिकॉज वेक्टर क्या प्रोवाइड करता है? मैंने प्री रिक्विजिट बताए थे वेक्टर के, कि उसके पास क्या होना चाहिए, एक ओआरआई होना चाहिए, याद आया? ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड जतिन कार्तिक। टाइम कल के मेंटी में सब आ जाना, कल का टाइम हमारा 6 बजे मेंटी का, ठीक है? यस, नेक्स्ट, गोल्डन राइस हम ट्रांसजीन अप्रोच से जो बना रहे हैं वो क्या है? इट इज वेरी रिच इन विटामिन ए, अगेन वेरी इजी, हाई विटामिन ए कॉन्टेंट, ठीक है? वेरी गुड आदिशा। What is origin of replication? जो vector provide करता है, जहां पे replication start होगा host के अंदर, ठीक है? Next, if recombinant DNA bearing gene of ampicillin, चलो करो, कल की क्लास में पढ़ाया मैंने, insertional inactivation का question है, चलो करो, बहुत easy. So, if recombinant DNA bearing gene for ampicillin resistance is transferred to E. coli cells. And the host cells are separated on agar plate containing ampicillin. मैं नहीं बताऊंगी इसका करेक्ट आंसर। ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेगा, ट्रांसफॉर्मेंट मर जाएगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेगा या नॉन
ट्रांसफार्मर मर जाएगा। बताओ, चलो लक्षित कह रहे हैं आपसे ही पढ़ा, ये चैप्टर ऐप पे बहुत इजी लग रहा है। परफेक्ट लक्षित, क्या बोला है, जहां पे काटा कल याद किया ना, पीटी टीचर कॉल्स अमन एंड प्रेम, ठीक है, सॉरी अमन एंड पीयूष। तो क्या बोला है, ये मैंने निमोनिक दिया था याद करने के लिए, एम्पिसिलिन काटा है तो अपने आप उस एंजाइम से काटा है, पीवी जिस एंजाइम से काट करे तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस चला जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेंट रेसिपिएंट्स जो है, ट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल्स विल ग्रो एंड अनट्रांसफॉर्म विल डाई, ठीक है। नेक्स्ट, पीसीआर मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए, अगेन वेरी इजी, किस क्या यूज करते हैं हम, थर्मस, एक्वाटिक स्टैक पॉलीमरेज यूज करते ना। नेक्स्ट, अल्फा वन एंट्री ट्रिप्सिन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम यूज करते हैं किसको ट्रीट करने के लिए, यूज इट टू ट्रीट एम्फिसिमा, अगेन गुड क्वेश्चन गाइस, फोकस, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी गुड, परफेक्ट, डी 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 डी, सब सही जवाब। स्पिरुलिना किसका एग्जाम्पल है, हम बोलते हैं स्पिरुलिना इज ऑलवेज, हम बोलते हैं इट्स अ सिंगल सेल प्रोटीन, ये क्या है, ये फूड सप्लीमेंट के जैसे यूज होता है, इट्स अ सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट, सही, हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं एबायोटिक स्ट्रेस से बचाने के लिए, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस लाने के लिए केमिकल पेस्टिसाइड, सही हो गया। एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स यूज बाय द प्लांट्स, बिल्कुल सही है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल वैल्यू, चारों सही है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इसलिए इतने लाई हूं आज के, प्रैक्टिस करा रही हूं कि आप एग्जाम में गलत ना करो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आदर प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, अभी बताया मैंने आपको इसमें क्या क्या सही है, ह्यूमुलिन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, हेपेटाइटिस बी, गोल्डन राइस, बीटी कॉटन। नेक्स्ट, अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट गेक, अभी बताया जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या बोला, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी का ट्रू स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो, चलो, विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ जीएम क्रॉप्स, विल मेक द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम, बिल्कुल सही। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स व्हेन सच ऑर्गेनिज्म्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोसिस्टम, देयरफॉर द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप द ऑर्गेनाइजेशन, सही, ऑल ऑफ दीज, सही, ऑल ऑफ दीज, दी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गाइस, यस, परफेक्ट, गुड गुड गुड, जतिन, मीनाक्षी, रवि रंजन, श्याम बाबी, नुसरत, ओके डन, वी डन, परफेक्ट, चलेंगे फटाफट से आगे बढ़ते, बेटा चारों ही है, जतिन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, ऑल राइट, सो आई विल बी सीइंग यू गाइस इन माय नेक्स्ट क्लास, होने वाली कल, मैं डिस्कस कर लेती हूँ जतिन आपसे, कौन सा क्वेश्चन था, पीछे क्यों नहीं जा रहा, एक सेकंड रुक जाओ, इससे जाते हैं। Which of the following is are the products of genetic engineering? हम बोलते हैं genetic engineering, humulin, hepatitis B, golden rice, BT cotton, चारों, ठीक है? चलेंगे। और ऐसे तो कल के मेंटी में सारे मिल जाओ। आज क्या ही हो रहा है? ठीक है, we're done for today's class. I'll be seeing you guys in my next class, tomorrow's class, कल मेंटी लेंगे हम, biotechnology principle processes application के questions करने वाले, most expected, ठीक है, उसमें answer गलत दिया होगा, हम answer देख के तो question नहीं करते ना जतिन, question देख के answer करते, all right, तो मिलते हैं आपको कल, prepare करके आओ सारे बच्चे, all right, तो आज मेरी last class थी आपकी विजेता series के लिए,
मैंने पूरी 11th पूरी 12th पढ़ा दी आपको, जूलॉजी पार्ट एज फार एज जूलॉजी इज कंसर्न, बायोटेक भी पढ़ाया, माइक्रोब्स भी पढ़ाया, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कल करेंगे हम लोग सारे क्वेश्चंस। ऑल राइट, कल 6 बजे हमारा मेंटी है, तो सारे अपने फ्रेंड्स को लेके आ जाना। आई सी यू गाइज इन टुमॉरोज क्लास, टेक केयर टिल देन, बाय, गुड नाइट।